आज के वीडियो में हम ऐसी हेल्दी रेसिपी बनाएंगे जो बनाने में आसान है, सेहत से भरपूर है और खाने में यकीनन बहुत टेस्टी है। तो आज हम ब्रोकली सैलेड इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज आप जरूर देख पाएं। ब्रोकली सैलेड रेसिपी के लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। ब्रोकली सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रोकली साफ करेंगे, जिसके लिए एक गर्म बर्तन में थोड़ा पानी डालें। इसमें आधा चम्मच नमक डाल दें। हमने ब्रोकली के डंठल भी लिए हैं, आप चाहें तो इनके बिना भी बना सकते हैं। पानी में उबाल आने पर इसमें 300 ग्राम ब्रोकली डाल दें। इस तरह ब्रोकली की सफाई करने से इसमें मौजूद बैक्टीरिया अच्छे से साफ हो जाता है। इसे हम उबलते पानी में तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे ये साफ होने के साथ सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसे पकाने में कम समय लगेगा। 2 मिनट उबलते पानी में पकाने के बाद अब हम इसे पानी में से निकाल लेंगे। इस समय ब्रोकली एकदम साफ और पहले से काफी सॉफ्ट हो चुकी है। इसे फिलहाल के लिए अलग रख दें। अब ब्रोकली सैलेड में डालने के लिए हमने लिए हैं 18 से 20 बादाम, जिन्हें हम छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें बिना काटे भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट सैलेड में ज्यादा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप बादाम की जगह काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्रोकली सैलेड इंडियन स्टाइल में पकाने के लिए एक गर्म कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे हेल्दी बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल गर्म होने पर हम इसमें सबसे पहले चॉप किए हुए बादाम डालकर रोस्ट कर लेंगे। सैलेड में ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके डालने से इनमें बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है, जो सैलेड में बहुत टेस्टी लगता है। 1 मिनट से भी कम समय में बादाम रोस्ट हो जाएंगे। इन्हें हम तेल में से निकाल कर फिलहाल के लिए अलग रख देंगे। अब इसे तेल में डालें मोटे क्यूब्स में काटा हुआ 150 ग्राम टोफू। हमने टोफू का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पनीर डालकर भी बना सकते हैं। टोफू में प्रोटीन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए ब्रोकली सैलेड को हेल्दी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट इंग्रेडिएंट है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मीडियम हाई गैस पर रोस्ट करने के बाद टोफू को भी हम कढ़ाई में से निकाल कर फिलहाल के लिए अलग रख देंगे। अब इसी तेल में डालें 10 से 12 बारीक काटी हुई लहसुन की कलियां। और बारीक काटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर भून लें। अगर आप लहसुन या अदरक पसंद नहीं करते हो तो इनके बिना भी बना सकते हैं। और अगर आप लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रहे हैं तो 1 चम्मच पेस्ट डालें। इसमें डालें बारीक काटा हुआ 1 प्याज। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक भुनेंगे। तकरीबन 1 मिनट पकाने पर जब प्याज ट्रांसपेरेंट सा नजर आने लगे तब इसमें डालें 3 चम्मच स्वीट कॉर्न। अगर कॉर्न ना हो तो आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी जैसे गाजर या मटर भी डालकर बना सकते हैं। अब इसमें डालें मोटे टुकड़ों में काटी हुई 1 शिमला मिर्च और बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्च डालकर इन्हें अच्छे से मिला दें। अब हम इसमें उबाल कर साफ की हुई ब्रोकली डालकर मिला देंगे। ब्रोकली को हल्का सेक लगवाने पर इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं मोटे टुकड़ों में काटा हुआ 1 टमाटर, आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/3 चम्मच गरम मसाला और रोस्ट किया हुआ 150 ग्राम टोफू या पनीर डालकर मिला दें। अब लास्ट में हम इसमें रोस्ट किए हुए बादाम डालकर अच्छे से मिला देंगे।
अब हम इसे मीडियम गैस पर तकरीबन 2 मिनट के लिए ढककर पका रहे हैं ताकि ब्रोकली खड़ी खड़ी सी ना रहे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट ढककर पकाने के बाद हम इसे खोलकर देख लेते हैं। ब्रोकली, टमाटर और शिमला मिर्च पहले से काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा और सॉफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे और 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। एक मिनट और पकाने के बाद ब्रोकली एकदम परफेक्टली सॉफ्ट हो गई है। हमारी ब्रोकली तकरीबन 3 मिनट में सही से गल गई है, क्योंकि हमने इसे साफ करते वक्त उबलते पानी में भी 2 मिनट के लिए उबाला था। तो अब ये ब्रोकली सैलेड बनकर तैयार है। इस सेहत से भरपूर ब्रोकली सैलेड को गर्मा गर्म सर्व करें। ब्रोकली में बहुत से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आज के वीडियो में हमने ब्रोकली को परफेक्ट हेल्दी तरीके से इंडियन स्टाइल में बनाया है। ये ब्रोकली सैलेड यकीनन खाने में बहुत टेस्टी है, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आज की ये हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं, मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।